नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं की से कांप रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इलाके में बर्फबारी फिर शुरू होगी, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इलाकों में बर्फबारी फिर शुरू होगी, इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर कश्मीर तक शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। ठंड और शीतलहर के मद्देनजर 1 से 7वीं कक्षा तक को 14 जनवरी तक के लिए बंद करने का फैसला सुनाया है। सुबह से भीषण कोहरा छाया हुआ है, इससे विजिबिलिटी शून्य हो गई। घना कोहरा छाए रहने से वाहन इलाके में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से आ रही ये हवाएं नश्तर सी चुभ रही हैं और कड़ाके की ठंड का एहसास करा रही है। कोहरे के साथ भीषण ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। घर से लेकर गली गली में लोगों ने बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लिया, तो वही भीषण ठंड के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज सामने आ रहे हैं। उधर राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर शिमला, मसूरी से भी ज्यादा ठंड रही। IMD के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। 10 जनवरी को हिमालय में सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। 13 जनवरी तक यूपी और राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। इसी वजह से 14 जनवरी से राज्य के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सर्द हवाओं के आने से सर्दी और बढ़ जाएगी। राजस्थान के 11 शहरों में घने कोहरे और कोल्ड वेव की वजह से दिन का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। पिछले एक सप्ताह से राजस्थान में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मथुरा के फरह में पारा 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कानपुर और अयोध्या में भी पारा 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार के 30 जिलों में कोल्ड डे है और अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4.5 डिग्री कम होता तो इसे कोल्ड डे कहते हैं। वहीं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 6.4 डिग्री की कमी आती है तो इसे सीवियर कोल्ड डे कहते हैं। हिमाचल मौसम में बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे के प्रकोप के वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनें 1 से 7 घंटे तक की देरी से चल रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। प्रशासन ने भी जगह जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।